सदियों से भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार भाई कंस के अत्याचार सहते हुए कारागार में बंद माता देवकी की आठवीं संतान के रूप में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान ने पितृ को कंस के आतंक से मुक्त करने के लिए अवतार लिया था। इसी मान्यता के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुर्ग समाज से विवा बिल्डर्स के एच सोहान ने कुछ रोचक जानकारियां कुछ इस प्रकार से दी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध होने वाला रहता है, कर्ण और कृष्ण की मुलाकात होती है। कर्ण ये बताते हैं कि मैं क्यों कौरवों के शिविर में हूं, क्योंकि पैदा होते ही साल मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। शिक्षा ग्रहण करना चाहता था तो मेरे को द्रोणाचार्य ने नकार दिया। घर बसाना चाहता था तो द्रौपदी ने मुझे धुतकार दिया। मेरा पूरा पास्ट जो था वो नेगेटिविटी में गुजरा है, दुत्कारने में गुजरा है, अपमान में गुजरा है। इस वजह से मैं कौरवों के शिविर में हूं। यह सुनके जो कृष्ण जवाब देते हैं, मैं समझता हूं कि उनका जवाब ये किसी की भी जिंदगी में कोई भी तकलीफ को दूर कर सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बदल सकता है। कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जन्म कारावास में हुआ, मैं जब जन्मा नहीं था उससे पहले ही मेरी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे मेरे दुश्मन। पहले ही दिन मेरे मां बाप से मुझे जुदा कर दिया गया। मेरे मैं 2 दिन का था तब से राक्षस मेरे पीछे पड़े हुए। मेरा पूरा बालकाल गांव को गाय को चराने में और उनका गोबर बिनने में निकला। मेरा खुद का मामा मेरे खून का प्यासा था, लेकिन ये चीजें मैं एक्सेप्ट किया और इसे जीवन का हिस्सा मान के आगे बढ़ा। यही फर्क था कर्ण और कृष्ण में कि वो कर्ण पीछे के बोझ को लेके चल रहे थे और कृष्ण आगे की ओर देख के चल रहे थे, उससे सीख के चल रहे थे। मायने ये नहीं रखता है कि हमारे जीवन में तकलीफें आए या ना आए। मायने ये रखता है कि हम उन तकलीफों का सामना, उन तकलीफों का जवाब कैसे देंगे। और किसी भी चीज की एक्सेप्टेंस ही धर्म होता है। धर्म की स्वीकारिता ही धर्म की स्थापना है, भले वो खुद के लिए हो, परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो या सृष्टि के लिए। इसी अभिलाषाओं के साथ जन्माष्टमी की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।